मेरा एक सवाल है। देखो मैं ना फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, फिर मैं घर पे लड़के लाता हूँ तो बोलती है तू मीठा है क्या। मेरा एक दोस्त है वो गे है, उसको ना एक मच्छर ने काटा और फिर मेरे को काट लिया उसने, तो मेरे दिमाग में ना थोड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आप मैं बोल रहा हूँ भाई कोई रिश्ता है तो बता दो, वो बोल रहे हैं कि तू तो लव मैरिज ही कर। ठीक है हम हैं, किन के साथ आपका नाम क्या है? कौशल किशोर। कौशल किशोर और कृष्णा सिंगल। मेरा एक सवाल है, जैसे आपको कोई लड़की अच्छी लगी ठीक है, तो फोन के अलावा मतलब मैसेज वगैरह करने के अलावा आपको कोई ऐसे अच्छा लगा, मैसेज के अलावा आप कैसे बात करोगे उससे, क्या बोलोगे जाके? मैसेज के अलावा हम उनको बोलेंगे कि आप हमको थोड़ा लाइक पसंद करते हैं हम आपको। ठीक है थैंक यू भैया। भैया एक बार है ना, दो हफ्ते पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है वो गे है, उसको ना एक मच्छर ने काटा और फिर मेरे को काट लिया उसने, तो मेरे दिमाग में ना थोड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आप समझ जाओ पहली बार जिंदगी में तो आपके हिसाब से मेरे को क्या करना? एक बार वापस बताएंगे मुझे। ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और तो क्या करना है? क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी, मेरा एक सवाल है। मैं ऐसे बोलूं कि मेरे को रिश्ते के लिए मतलब कोई चाहिए, तो ऐसे होता है ना कि मम्मी अपने दोस्तों से पूछती हैं कि अरे कोई है शादी लायक, वैसे रिश्ते आ जाते हैं। लेकिन है ना मेरे घर वाले एकदम ही उल्टे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो बोल रहे हैं कि तू तो लव मैरिज ही कर। वो है ना वो अरेंज मैरिज के खिलाफ हो गए, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ उन्हें। अब आपके हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए? मम्मी वैसे सही कह रही है, जो टाइम वक्त है वो उस हिसाब से तो आपको यही करना चाहिए। भैया आपने बादशाह मूवी देखी? बादशाह शाहरुख खान वाली देखी तो है भाई, चश्मा का पता नहीं है लेकिन कौन सा वाला लगा है, जिसमें आर पार दिख जाए वो वाला है क्या आपके पास? वो वाला नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हेलो आई एम हियर विद, आपका नाम? निशा। निशा मेरा एक सवाल है, देखो मैं ना फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं पूरे टाइम लड़कियों की फोटोग्राफ वगैरह लेना ये सब करता हूँ, तो मम्मी बोलती है कि अय्याश है क्या तू, एक नंबर का लड़कियों के साथ घूमता रहता है। फिर मैं घर पे लड़के लाता हूँ तो बोलती है तू मीठा है क्या, और फिर दोनों लाता हूँ तो बोलती है तू क्या बाइसेक्सुअल है क्या, तो मैं करूँ क्या, मतलब किस टाइप के लोग लाऊं फिर मैं घर? लड़कियाँ ज्यादा बेटर है। लड़कियाँ बेटर है क्यों? तुम्हारे लिए ना, मतलब तुम्हारे को बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है बस यही सवाल था, थैंक यू सो मच। तो मैं आज हूँ किसके साथ, आपका नाम बता दीजिए? मैं सुशीला भारती। सुशील फोक सिंगर। ओ क्या बात है, सिंगर हैं आप? हाँ, क्या बात है। सिंगर गणगौर महिला ग्रुप, राजस्थानी महिलाओं का ग्रुप की एडमिन हूँ, फाउंडर हूँ। क्या बात है क्या बात है। मेरा एक सवाल है, नॉर्मली जैसे क्या होता है कोई लड़का 29-30 का हो जाए तो उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा कोई है तो बता दे, नहीं तो रिश्ते वगैरह हम देखें, है ना ऐसे ही होता है अपने? तो और मेरे घर वाले एकदम उल्टे हो गए हैं एकदम ही, वो पता क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ भाई कोई रिश्ता है तो बता दो, वो बोल रहे हैं कि तू तो लव मैरिज ही कर, तेरे को एक महीने का टाइम दे रहे हैं अब जाके प्यार ढूंढ। तो आपके हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए एक महीने के टाइम में, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से तो ये है कि फैमिली के अंदर ही देखो, कोई ना कोई दूर दूर कभी होता है ऐसा कि हमको अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से अगर कोई आपको पसंद आ रहा हो तो आपके दो, तो एक तरह से लव मैरिज भी हो जाएगी और एक तरह से अरेंज मैरिज भी हो जाएगी, वो आप लोग भी खुश और मम्मी पापा भी खुश, फैमिली भी खुश। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अच्छा आइडिया है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच।